नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। ग्रहराज शनिश्चर भगवान के चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे आठ डिरेक्शन था वैसा ही 16 जोन्स रहता है। वो 16 जोन क्या होता है और वास्तु के साथ उसका क्या संबंध रहता है? व्हाट इज 16 जोन्स इन वास्तु? तो आज जो चर्चा हम करेंगे 16 जोन्स क्या है, आइए पहले चर्चा करते हैं 16 जोन्स क्या है। पहला जोन जो होता है 0 डिग्री में होता है शुरू, वो होता है आपका नॉर्थ जोन, एक नंबर। दूसरा जोन नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मिडिल पार्ट जो होता है NNE, मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन। तीसरा जोन जो होता है आपका NE, मतलब नॉर्थ ईस्ट। चौथा जोन जो होता है आपका EME, मतलब NE एंड E, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट का मिडिल पार्ट जो होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट EN। उसके बाद आता है जो जोन आता है वो होता है आपका ईस्ट जोन, 90 डिग्री पे आता है। उसके बाद आपका आता है जो जोन वो है ESE, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के मिडिल पार्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट जो होता है डायरेक्शन का गैप, एक एक डायरेक्शन का गैप जो होता है वो होता है 45 डिग्री, एंड जो जोन्स होता है उसका गैप होता है 22.5 डिग्री, मतलब अभी हो गया आपका साउथ ईस्ट जोन। उसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट जोन जो SSE लिखा जाता है। उसके बाद आता है आपका साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन जो होता है उसको भी साउथ जोन बोला जाता है। साउथ जोन के बाद आता है आपका जो जोन वो होता है साउथ जोन, 180 डिग्री में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका SSW, मतलब साउथ साउथ वेस्ट, वो होता है साउथ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन का मिडिल पार्ट। उसके बाद आता है आपका साउथ वेस्ट जोन जिसको हम बोले थे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जोन डायरेक्शन एक ही जगह में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका जो वो होता है WSW जोन, वो होता है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। उसके बाद आता है 270 डिग्री में आपका वेस्ट जोन, वेस्ट जोन के बाद आता है आपका WNW, मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ वेस्ट यानी NW। NW के बाद आता है आपका NNW, मतलब NW एंड N, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इसका मिडिल पार्ट जो होता है NNW। NNW के बाद फिर आता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका 16 जोन। ये जो 16 जोन है इसका लाइफस्टाइल से क्या संबंध है वो मैं आपको बताऊंगा अगला जो एपिसोड है उसमें। तो ऐसा ही आगे आगे एपिसोड देखने के लिए आपको हमारा चैनल जो है n9times.com उसको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमको भी मजा आएगा आपको रोज नया 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 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का कथन। तो आज का टिप्स में आपको मैं बता रहा हूं कि कभी भी आपका घर का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पे कोई भी प्रकार का टॉयलेट नहीं रहना चाहिए। अगर आपका घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट जोन में जो है 45 डिग्री वहां पे कोई टॉयलेट आ जाता है तो आपका घर में स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड, न्यूरोलॉजी रिलेटेड या कैंसर जैसा बीमारी पैदा होता है। तो ये होने से पहले अगर हो गया है तो अलग बात है, तो भी ठीक कर लीजिए, अगर ना ही हुआ है तो उससे पहले, होने से पहले खुद को बचाइए क्योंकि उसका कोई इलाज है ही नहीं, जो भी इलाज है वो लाइफ टाइम के लिए है ही नहीं। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे रखते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल एज़ वेल।